राजधानी दिल्ली के पॉल्यूशन का नहीं मिल रहा है कोई सॉल्यूशन। बता दें, राजधानी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन से लोगों को अब तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। शुक्रवार सुबह राजधानी दिल्ली के दो इलाकों में AQI लेवल 700 दर्ज किया गया है। औसतन दिल्ली में आंकड़ा 360 है। राजधानी दिल्ली के कई इलाके अब भी रेड जोन में अपनी जगह बनाए हुए हैं। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 पाई गई है। यह एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में आती है। इससे पहले बीते दिन भी एयर क्वालिटी बहुत खराब दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, दिल्ली NCR में पिछले कई दिनों से पॉल्यूशन की वजह से विजिबिलिटी पर भी असर पड़ रहा है। राजधानी में हवा में स्मॉग की मोटी चादरें दिखाई दे रही हैं। कुतुब मीनार, लोटस टेंपल, अक्षरधाम मंदिर के आसपास के इलाकों में स्मॉग और लो विजिबिलिटी दर्ज की गई है। साथ ही खराब हवा की वजह से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। एक्सपर्ट्स की राय है कि दिल्ली की हवा में जारी स्मॉग एक पब्लिक इमरजेंसी है। इसके लिए धूल वाले सोर्सेज जैसे कारें, इंडस्ट्रीज, वेस्ट वार्निंग और डस्ट सोर्सेज जैसे कंस्ट्रक्शन और सड़कों पर तुरंत इमरजेंसी एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि प्रदूषण को और अधिक फैलने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।